हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, क्रैक मूवी देखने के बाद जिन जिन लोगों का मूड ऑफ हो चुका है, भाई आप लोग ये मूवी देख लो, आपका मूड पूरा ठीक हो जाएगा, बल्कि दो गुना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस मूवी का करिश्मा ही ऐसा है यार, आप इस मूवी से अनकनेक्ट हो ही नहीं सकते। इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है ये। इस मूवी का पॉलिटिकल थ्रिलर जोनर होने के बावजूद भी, इंस्पायर बाय ट्रू इवेंट होने के बावजूद भी, ये मूवी टेक्निकली और सिनेमेटिकली बहुत ही ब्रिलियंट साबित होती है। एक ऐसा मूवी जो पॉलिटिकल जोनर होने के बावजूद भी आपको सिनेमेटिकली और इसके स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको इतनी एंगेज करके रख देगी कि आप इसके पॉलिटिकल एरर कुछ भी ढूंढ नहीं पाओगे। यहाँ तक कि ये मूवी दी कश्मीर फाइल और दी केरला स्टोरी के तरह पॉलिटिकल एरर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखा सकती थी, लेकिन वो सब कुछ बिना दिखाए भी आर्टिकल 370 इतनी ज्यादा एंगेजिंग और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरी हुई है ना, आप भूल ही जाओगे सब कुछ। बेसिकली इस मूवी में आपको जम्मू कश्मीर में लागू हुआ आर्टिकल 370 के बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे लागू हुआ और उसको किस किस तरीके से कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उस आर्टिकल को हटाया गया। वो थ्रिलर, वो कुर्बानी, वो इमोशन से भरी हुई सीन्स, वो सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही सिंथेटिक वे में। मूवी का स्टोरी कोई भी बकवास लाइन, कोई भी बकवास सीन आपको डिलीवर नहीं करती, वो पूरा का पूरा अपने स्टोरी टेलिंग के ऊपर ध्यान देती है, जो कि उरी के मेकर्स के तरफ से बहुत दिन के बाद आपको एक ऐसा कंटेंट, आपको एक ऐसा सीरियसनेस वाला मूवी आपको देखने को मिला है, जहां आपको उरी और दी कश्मीर फाइल का दोनों कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। उरी का वो ईगनेस, उरी का वो फाइटिंग, वो आर्मी से रिलेटेड वाला सीन भी आपको यहां पे देखने को मिलता है, और कश्मीर फाइल से भी जो आपको इमोशन वहां पे दिखाया गया था पब्लिक को लेके, पॉलिटिकल एरर को लेके, वो सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। देखो यार, जो लोग आर्टिकल 370 को अच्छे से जानते हैं वो तो बहुत ही अच्छा रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो कोई भी आर्टिकल 370 के बारे में बहुत ही अच्छे से नहीं जानता है, इस मूवी को देखने के बाद वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसी है, ऐसी इंफॉर्मेशन से भरी हुई, ऐसी इंफॉर्मेटिव मूवी है ये। और ऊपर से भाई, इस मूवी के बीजेम और म्यूजिक पूरा मूवी में जान डाल देते थे, पूरा रूह कांप जाता था मूवी के हर एक पॉइंट पे, हर एक सीन पे। और यामी गौतम का स्पेशल वो मोनोलॉग वाला डायलॉग सीन में आपका रूह कांप जाएगा। यामी गौतम की ब्रिलियंट एक्टिंग और ब्रिलियंट मोनोलॉग देख के, जो फीलिंग से वो बोलती है ना, जो अपने आंखों से बात करती है ना भाई, उसे देख के, उसे फील करके ना भाई, आपका रूह कांप जाएगा। इतना डेडिकेशन, इतना फियरलेस वाला सीन्स है ना भाई यामी गौतम का इस मूवी में, और वो हर एक मूवी में जो उनका जो मोनोलॉग होता है, उनका वो सीरियस नेट होता है भाई, बंदी पूरा टॉप कर जाती है भाई। बंदी जो अपने एक्टिंग स्किल से हर एक मूवी में हमको सरप्राइज करती है, और उनका जो वे ऑफ माउथ होता है, अपने आंखों से बोलना, पूरा चुभना, पूरा वो बात, वो पूरा दिख रहा है भाई इस मूवी में। भाई साहब, इस बंदी में इतना ज्यादा दम है ना भाई, ये हर एक कंटेंट को वो दमदार बना सकती है, लेकिन इस लालच से भरी हुई बॉलीवुड सिनेमा में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बंदी को उतना ज्यादा हाइप नहीं मिल रहा है, इस बंदी को अपने लेवल का मूवी नहीं मिला, वो स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा जिसके लिए ये बनी है, और जो वो डिजर्व करती है वो चीज तो उसे अभी तक मिला ही नहीं है। लेकिन फिर भी बंदी का क्रेज तो देखो भाई, एक आर्टिकल 370 इस मूवी के बारे में किसको इतना ज्यादा होप भी नहीं था, कोई इस मूवी के बारे में उतना जानता तक नहीं था, इस मूवी के अंदर आपको कोई बड़ा एक्टर भी नहीं है, लेकिन भाई बॉलीवुड को पूरा तमाचा मार के इस मूवी ने अपने पहले दिन 8 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। तो भाई सोचो, कंटेंट और यामी गौतम का कितना क्रेज है। तो यार, आप लोगों ने अभी तक यदि इस मूवी को नहीं देखा है और आर्टिकल 370 के बारे में आप डिटेल में नहीं जानते, तो भाई जल्दी से थिएटर पे जाओ। इस मूवी के लिए 500-600 भी यदि आप खर्चा करोगे ना टिकट में, वो पूरा वर्दित होगा। तो यार जाओ, इस मूवी को देखो, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा इन मूवी वाइज, इन सिनेमेटोग्राफी वाइज, और आपको नॉलेज भी बहुत ही ज्यादा भरपूर वे में मिलेगा। तो यार बिल्कुल भी मिस मत करना ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरी से भरी हुई मूवी को, और वापस आके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मूवी कैसा लगा। तो यार मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।